Hello friends, welcome to Study in Your channel. I am Kuldeep. So let's begin current affairs of June 1. So it's humble request to you all that please support our channel and share as well as subscribe our channel. So आप सभी लोगों से उम्मीद रहती है कि आप लोग अपने करंट अफेयर की तैयारी रेगुलरली करते होंगे और साथ साथ में हमें बताते रहें कि आपकी कितने सवाल सही होते हैं और कितने गलत होते हैं. सो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर. क्वेश्चन है, लेबर मिनिस्ट्री पार्टनर विद विश्वफर्म टू लॉन्च एन ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग ऑन नेशनल करियर सर्विस पोर्टल. सो द ऑप्शंस आर लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन बी टीसीएस आयंस, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी एसेंचर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टीसीएस आयंस. सो टीसीएस आयंस ने अभी एक करियर स्किल ट्रेनिंग लॉन्च करा है एनसीएस नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे. तो इस स्कीम के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज नेशनल करियर सर्विसेज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं, वो उनको क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे. ओके, सो इसमें सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए और हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है. सो द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रोथ इन रियल जीडीपी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1920. सो द करेक्ट ऑप्शन, सो द ऑप्शंस आर 5%, बी 4.7%, सी 4.5%, डी 4.2%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 4.2%. सो अभी देखा जाए तो 2019-20 में जो जीडीपी थी हमारे देश की वो थी 4.2%, और अगर देखा जाए तो 2018-19 में ये जीडीपी 6.1% थी. जो 2019-20 का जो 4.2% जीडीपी है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो पास्ट 11 सालों में सबसे कम जीडीपी रहा है भारत का. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू वोटिंग प्रोसीजर इन्वॉल्विंग सेक्रेट बैलेट फॉर इट्स इलेक्शन एडमिट कोविड-19 पैंडेमिक. सो द ऑप्शंस आर यूरोपियन यूनियन, बी यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशंस. सो यूनाइटेड नेशन के ऊपर मैं कुछ समय बताना चाहूँगा. अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने सीक्रेट बैलेट का जो प्लान बनाया है वो कोविड-19 के चलते हुए बनाए गए हैं. तो जो असेंबली होती थी पहले, होस्ट शो शेप्ड असेंबली चैम्बर्स में इनकी मीटिंग होती थी, ठीक है. तो लेकिन अभी कोविड-19 के चलते हुए 193 जो यूएन मेंबर्स नेशंस हैं, इन्होंने सीक्रेट बैलेट के थ्रू क्या करना स्टार्ट कर दिया है. इस टाइम पे जो इलेक्शन होनी है वो सीक्रेट बैलेट के अंदर होंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹445 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. सो ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब एंड छत्तीसगढ़. द करेक्ट ऑप्शन इज छत्तीसगढ़. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 445 करोड़ रुपीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग 2020-21 टू प्रोवाइड टेप कनेक्शन टू 20 लाख हाउस होल्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च ए न्यू एप्लीकेशन नेम सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग. सो ऑप्शन आर फेसबुक, अमेजन, गूगल और एप्पल. सो द करेक्ट एक्शन इज ऑप्शन सी विच इज गूगल. ओके, सो गूगल ने अभी क्या करा है, एक सोडार नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसमें क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए काफ़ी सहायता मिलती है लोगों को जागरूक करने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, के फोन प्रोजेक्ट दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन केरला इन दिस ईयर इज एसोसिएटेड विद दिस फील्ड. सो ये तो हमें परसों सर द्वारा पढ़ाया भी गया था. तो जिसके ऑप्शन हैं न्यूट्रिशन एडिड फूड, इंटरनेट एक्सेस, वाटर कंजर्वेशन एंड स्पेस साइंस. दो करेक्ट ऑप्शन वाज इंटरनेट एक्सेस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ सो इसी में मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा, जो कि फ़ोन प्रोजेक्ट था ये लॉन्च हुआ था अभी दिसंबर में 2020 में, जो केरला के द्वारा कराया गया है, ठीक है. तो इसके अंदर जो 1500 करोड़ रुपए हैं वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, वो फ्री इंटरनेट के लिए जो गरीब लोग होंगे वो भी अफोर्डेबल रेट्स में. ओके, केरला स्टेट ने लॉन्च करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया दैट सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन May 30. सो ये तो सभी को आना ही चाहिए कि 30 मई को किस देश ने
अपना स्टेटहुड डे मनाया है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गोवा। गोवा क्या है, एक सबसे छोटा जिला है हमारे, छोटा राज्य है हमारे देश का। सो ये फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन एंड इट्स रिसेंटली सेलिब्रेट इस स्टेटहुड डे ऑन May 30। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स? सो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आर मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री यात्रा योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंदर जो COVID-19 के चलते हुए गवर्नमेंट 25 लाख तक का लोन्स प्रोवाइड करा सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 10 लाख लोन जो है सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड करा सकती है। सो जितने भी COVID-19 से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं तो उनको ये लोन प्रोवाइड कराएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये नहीं कि सिर्फ यही लोग, और लोग भी इसको लाभ ले सकते हैं, जो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं तो वो लोग इससे लाभ ले सकते हैं। तो जो ये लोन्स एलिजिबल होंगे वो सिर्फ किसके लिए होंगे, जो नेशनलाइज बैंक होंगे या शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, तो किसी से भी हम ये लोन ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर May 29, May 31, June 1, June 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज May 29। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 29 अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन द सेम डे इन दिस ईयर 1953 जो तेंजिंग नोरियाग ऑफ नेपाल एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड ने सक्सेसफुली स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। सो 29 मई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। थैंक यू। सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू डेवलप 800 किलोमीटर रूट्स एज हर्बल रूट्स? ऑप्शंस आर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ उत्तर प्रदेश। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने बोला है जो 800 किलोमीटर की हर्बल रोड होगी स्टेट में तो ये बनाई जाएगी। सो द हर्बल रोड विल हैव मेडिसिनल ट्रीज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मेडिसिनल ट्री लगाए जाएंगे, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ जो हर्बल ट्रीज होती हैं वो दोनों साइड से लगाई जाएंगी। थैंक यू।